हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ दीप्ति नौटियाल और आज मैं आई हूँ कालका मंदिर। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी आने की, बट नहीं हो पाया। तो फाइनली मैंने और भाभी भी हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, और ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, मास्क तो हटा दे, और ये छोटा वाला। तो हम चारों के चारों, मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था, बट मैं आज हमारा सेकेंड डे है। तो अभी हम 40 डेज कम्प्लीटली हम मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में, जब भी हमें टाइम मिलेगा, तो हमें 40 डेज तक हमें डेली यहाँ पे आना है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको अभी चलते हैं। वैसे मैं दर्शन करके आ गई हूँ बाहर, क्योंकि आज सैटरडे है, आज है 10th October। तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है मंदिर में, तो मैं हम चारों के चारों दर्शन करके आ गए हैं। बट मैं आपको दोबारा फिर से एक बार मंदिर के अंदर दर्शन तो नहीं करने देते, मतलब फ़ोन लेके अलाउ नहीं है ले जाना। तो अभी हम जैसे जैसे मैं जाऊंगी, वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि जिसने ये मंदिर नहीं देखा है तो उसके लिए ये हो जाएगा कि ये मंदिर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। माता रानी मंदिर कोई भी हो, सभी बहुत अच्छे होते हैं। बट और ये देखो, इसको ये फ्लावर भी मिला मेरे को, भाभी को, और इसको उसकी नाक भी बहुत लाल हो रखी है। तो अब हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मंदिर कैसा है। चलिए, तो यहाँ से ये मंदिर है, पीछे रह गया है, लोग भी मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अड़ सा लगता है ना, एकदम वीडियो बनाने में अजीब सा लगता है। तो ये है पूरा मंदिर, और बहुत अच्छा मंदिर है, जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ आइएगा देखने के लिए, बहुत सुंदर है। माता रानी सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखती है, समझता हूँ। लिखा उसके पीछे 70 है और 80 की बोल रहे हैं। ये सेट कितने का होगा? 120। अच्छा लग रहा ना अभी? अच्छा लग रहा है सारे। ये कपड़े भी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। कान के नहीं रखे हैं? आओ, हाँ जल्दी चलो, तो तुम्हारा ड्रम लेना है। दिखा दो भाई को। ये कान के नहीं है छोटे छोटे? समर्थ क्या चाहिए आपको? गिटार। ये गिटार? गिटार, ड्रम, गिटार, गिटार। मुझे ही चाहिए ड्रम, अब गिटार चाहिए मुझे। गिटार प्लीज, गिटार, 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 गिटार। पूछो भाभी इसको। कौन सा? ये गिटार। वो तो महंगा होगा भाभी, है ना? कैसे दे रहे भैया? गिटार 600। वो वाला छोटा वाला? कौन सा छोटा वाला? वो तो है भैया। ये कितने का है? आ जाओ। मैंने पहली बार देखा। ड्रम ले, तुम्हारे से ड्रम ले ले। ड्रम बता, 600 रुपए का, 300 रुपए का, कितने महंगा? 600 रुपए, 300। हाँ वही तो, बताओ जरा, बताओ जरा, इतनी महंगाई ले लूट रहे हैं, देख इतनी महंगाई है। मम्मी, मम्मी,
तो अभी दिख तो नहीं रही है, पूछ लो। हाँ पूछ लो। हाँ जी बेटा बोलिए। अच्छा आ छोड़ ना तू, वो ले ले, अभी वो ले ले। अरे नीचे भी है कोई, अच्छा देख ले बड़ा। ये है बड़ा, ये लो। ये छोटा है, ये वाला ले। ये हाँ ये ले, फिर से वाला ले। ये बड़ा ठीक है, ठीक है। कौन सा वाला समझ भैया? समझ अंकल से पूछो, अंकल कितने का है? अंकल कितने का है? ये वाला। अंकल का है 60 का। ये वाला आपको कौन सा वाला चाहिए? ये वाला। ये वाला चलो ले लो फिर। ये वाला तूने क्या लिया? दिखा क्या है ये? पिस्टल है। पिस्टल शक्ल भी दिखा अपनी। रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर क्या करेगा इससे? मारूंगा। किसको किसको मारेगा? मैंने ये खरीदा ड्रम। ड्रम तेरे नाक पे क्या लग गया? ये टीका लगाया है ऊपर माथे पे लगा हुआ था। ये झड़ गया नीचे है। हाँ। तो ले लो। मटका सी में पड़ेगा ना, यहाँ पूछ लो। ये वाली चूड़ी वो कितनी अच्छी लग रही है ना। समझ आ गया हो बेटा? समझ आ गया? आओ सार्थक बुलाओ से। आगे चलो, आगे चलो। चलो भी नानी, इसको इनको बोल रही हूँ। चलो अब मत देखो, अब मैं दिलाऊंगी भी नहीं। चलो चलो समझ आगे, भाई के पास चलो जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ जी भाभी चले चलो। आ जाओ आगे आओ, हाथ पकड़। समझ जल्दी आओ बेटा, जल्दी आ लो। ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, जल्दी आओ जल्दी आओ। कहाँ के लिए ले लो ऑटो? ये भी जाना हमने पास में। रुक 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 वेट, चला जा। अब नीचे चल, नीचे उतर ले, नीचे उतर ले। किनारे किनारे किधर आ जाओ। भाभी वहां से गेट के अंदर को चले, पार्क के गेट के अंदर को है ना? गेट क्यों? किसने बोला? वहां से गेट ना साइड इधर आ जाता।
ऊपर चढ़ो। प्यास लग गई बहुत तेज भाभी, पानी लाई हूँ मैं, बहुत तेज प्यास हो रही है। वैसे इधर से पास पड़ता, पास तो नहीं पड़ता पर है ना, अच्छा वो वहाँ से उल्टा हो रहा था ना, तो चलो कोई नहीं, आज के दिन कल रोज थोड़ी ना आएंगे है ना। समर्थ क्या कर रहे हैं ये? देखो काल का मंदिर, वो काल का मंदिर का वो मेट्रो स्टेशन, चल। अरे यहीं है पहले। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, काल का पार्क है ये, तो काल का पार्क के अंदर हम आ गए हैं। कितना अच्छा है यहाँ पे, पूरी हरियाली 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 हो रखी है। मम्मी। हाँ जी बेटा। लोग देख रहे हैं मेरे को और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं हूँ दीप्ति नौटियाल और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खोल सकता हूँ समझ, कुछ बोलोगे आप? हाँ, इसको खोलना चाहता हूँ मैं, इसको बैठ कर बैठना भी है, इतना टाइम थोड़ी है बैठने का, मुझे बजाना भी है, बजाना भी है। तो हम इसको घर जाके भी बजा सकते हैं बेटा। नहीं, मेरी जॉब लगी है। जॉब लगी है मेरी। तेरी जॉब लगी है? कहाँ? बजाने की, बजाने की जॉब लगी है। सारथी तुम नहीं खोलोगे अपना? देखिए वहाँ पे लोग बहुत सारे बैठे भी हैं।
वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जो पार्क में जो बच्चे जो पार्क की देख रेख करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए कोई ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं है, वो इतने पैसे उनके पास अवेलेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों का एक हाई लेवल का ट्यूशन लगा पाएँ या नॉर्मल भी लगा पाएँ, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ लोग पढ़ाने के लिए उन बच्चों को आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे उनको पढ़ा रहे हैं। बाकी जिनको घूमना है वो घूम भी रहे हैं, और जिनको बैठना है आराम करना है तो वो बैठ भी रखे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो क्या बोलना है, हम कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। खूब सारे अंकल लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, ताश खेल रहे हैं और अब गप भी मार रहे हैं साथ साथ में, तो ऐसे सर्दा रुक जा समर्थ रुक जाओ। जल्दी घर पहुँचना है, हाँ थक गए भाभी। दूसरे दिन से नहीं बोलेंगे ना हमारे। दूसरे दिन से थक गया, हाँ उससे, हाँ समर से एक्टिव है। वहाँ पर क्या करना है, अभी नहीं जाना, अभी थोड़ा और आज मैं बैठूंगा। नहीं भाभी सही भी है, जाना भी चाहिए।